पढ़ना एक अधूरा शब्द है, पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है, उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता होगा। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए, आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं। जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में हैं, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा।